सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे मौलाना आजाद स्कूल में। आज आप जान रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को, अपने सारे दोस्तों को मैं कहना चाहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मौलाना आजाद स्कूल में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। बच्चे वाइट ड्रेस में है, स्कूल यूनिफॉर्म में है और सब कुछ लोग कुछ परफॉर्मेंस करेंगे जो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि आप सब हमारे दोस्त हैं। तो मेरा ये काम है कि अपने स्कूल में, मौलाना आजाद स्कूल में जो भी प्रोग्राम होता है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो अपने दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए किस तरह से आज स्कूल को सजाया गया है। आपकी इंडिपेंडेंस डे है, खुशी का दिन है, हम सबको मालूम है कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, जद्दोजहद करना पड़ा, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जो महाराणा प्रताप हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कितनी कुर्बानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, उन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है। और आज हम आज़ाद फिजा में हैं, आज हम आज़ाद हैं, तो इन सब की बदौलत हमें आज़ादी मिली है। तो हम सब हर साल इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। और आज बच्चे बिल्कुल खिल रहे हैं, ये अब्दुल्ला है, आप सबको पता है कि ये अब्दुल्ला है जो स्कूल में हमेशा मस्ती करते हैं, ये आफ्ताब है लाया है। और ये छोटे से चिन्नू मिन्नू से बच्चे हैं जो बहुत प्यारे हैं, जो फ्लैग भी लिए हुए हैं, सब बच्चे हाथों में फ्लैग लिए हुए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। ये हम आ रहे हैं मौलाना आज़ाद स्कूल के अंदर। देखिए स्कूल को बिल्कुल बैलून की रंगे बैलून से सजाया गया है। हर तरफ बस आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये छोटी सी है माइशा, जो हाथों में तिरंगा बैन बांधी हुई है और क्या कह रही है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह दो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर भी स्कूल को सजाया गया है और तिरंगे झंडे के साथ, तिरंगे बैलून के साथ सजाया गया है। हर तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी कुर्बानी दी थी। आज हम अगर आज़ाद हैं तो अपने फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, जिन्होंने कितने खून बहाए, अपने को कुर्बान, सब लोग कितने हज़ारों हज़ार कुर्बान हुए, शहीद हुए और हम लोग आज आज़ादी पाए हैं और उसका जश्न मनाते हैं। हर साल इसी तरह से जोश खरोश के साथ हम आज़ादी मनाते हैं और ये हमारे लिए एक पर्व है। पर्व की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को यही कहना चाहूँगी हैप्पी डे। और मैं बस अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत ही ख़ास होता है। हम सब को यानी आज के दिन 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। देश को आज़ाद करने में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने सब कुछ अपना निछावर कर दिया वो थे महात्मा गांधी, बापू, फादर ऑफ नेशन, जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्ला खान, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, भगत सिंह, लाल बहादुर। लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल हफीज, मोहम्मद बारकतुल्ला,
सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने शहीद होकर हमें आज़ादी दिलाई। उनका बस एक ही सपना था कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हों, हमारा तिरंगा झंडा शान से लहराए। आज हम आज़ाद हैं, इनकी कुर्बानी जो इन्होंने दिया है, हर जगह आज जश्न का माहौल है, हर जगह लोग खुश हैं, उत्साह से इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हर घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मौलाना आज़ाद स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अपने फ्रेंड्स से बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो बेल आइकन नज़र आ रहा है ना, उसको ज़रूर क्लिक करें और एंजॉय कीजिए बच्चों के परफॉर्मेंस को। बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुशियां बिखेर रहे हैं। आज हर जगह तिरंगा झंडा नज़र आ रहा है, बैलून से सजाया गया है। आज बहुत ही ख़ास दिन है हम सब के लिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी सुनने वालों को कहना चाहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज आज़ाद हुए थे हम लोग और आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिला था। और हम बयान नहीं कर सकते, जब हम लोग तस्वीर करते हैं, सोचते हैं उस पल का, तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी, अपने पेरेंट्स से आप लोगों से जानकारी ली होगी कि किस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। तो हमें याद करना है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करना है, हमारे महात्मा गांधी जिन्होंने, जो फादर ऑफ नेशन है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। आज उन्होंने ख्वाब देखा था कि हम सब आज़ाद हों, बिल्कुल खुशगवार हो और हम लोग आज़ादी जो आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। आप सबको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? आप सब खुश हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और सब लोग तिरंगा झंडा और बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हमें उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करना चाहिए। ये सब हम लोगों के पेरेंट्स बताते हैं, स्कूल में बताया जाता है, लेकिन नेशनल फ्लैग हमारा शान है, हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी। तो हम सब हिंदुस्तानी है ना, तो हम सबको चाहिए कि कुछ अच्छे काम करें ताकि सारी दुनिया में नाम हो सके हमारा। इंडिया सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो आप बच्चे भविष्य हैं, इस देश का फ्यूचर है, तो आप सबको इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी। और आप लोग जान रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस अब कितने शहीद हुए। आज हम लोग को मौका है उनकी शहादत को याद करने का। आज हम आज़ाद हुए और हम सब आज़ाद घूम रहे हैं और जो चाहे हम सब कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात, हम सबको चाहिए कि हम लोग बहुत अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें और इसी तरह से खुशियाँ बिखेरते रहें। और आप मेरे साथ सब लोग कहिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। बस अपने फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।